धन्यवाद। आज कई दिन में आए मकाबे सीधी बातचीत भी किसानों से हो जाए। हम हैं यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे, एक अफवाह बड़ी तेजी से चल रही कि सरकार ने बात मान ली, किसान घर जा रहे। देखो ना, कोई किसान घर जा रहा है, किसान यहीं पे ही है, वो चाहे कोई से भी बॉर्डर हो। लेकिन अफवाह दो दिन से बड़ी तेज घूम रही। अभी एक समस्या का समाधान हुआ, वो समस्या है जो तीन काले कानून थे उसका समापन हुआ। दूसरी थी जो बिजली अमेंडमेंट बिल था, उसकी भी सरकार ने बातचीत आज से 11 महीने पहले करी। एक पुराली वाले पे भी 11 महीने पहले ही बातचीत हुई, अब भी उन्होंने स्पष्ट कहा, और उसी टाइम पे एमएसपी की बातचीत चली थी। तो अभी तीन चीजें हुई, तो एक चीज बाकी है, एमएसपी। बहुत लोग और प्रेस में खबरें चलवाते हैं कि एमएसपी नया क्वेश्चन है। एमएसपी नया सवाल नहीं है, एमएसपी तो बहुत पुराना सवाल है, जो एमएसपी पर गारंटी कानून बने। इसी के तहत एक 2011 में कमेटी बनी थी, जिसमें आज के प्रधानमंत्री उस टाइम के मुख्यमंत्री जी होते थे, वो उस कमेटी में थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी 2011 में, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। आज ये प्रधानमंत्री हैं, उस कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दो, नई कमेटी की जरूरत ही नहीं है। इसी के बीच में जो घटनाक्रम हुए, करीब 300 के करीब ट्रैक्टरों को नुकसान हुआ, और आज भी जो कुछ जानकारी है कि 150 के आसपास ट्रैक्टर दिल्ली के अलग अलग पुलिस स्टेशन में खड़े हुए हैं, उन ट्रैक्टरों का क्या होगा। जो हरियाणा है, हरियाणा में करीब 55,000 के आसपास लोग पर मुकदमे हैं, उन मुकदमों का क्या होगा। वे मुकदमे वापसी होने चाहिए, और जब तक मुकदमे वापसी नहीं है तो ये किसान घर नहीं जाएगा। हम हरियाणा को छोड़ के किसी सूरत में घर जाने वाले हैं नहीं। उत्तर प्रदेश के मुकदमे हैं, उत्तराखंड के मुकदमे हैं, मतलब पूरे देश भर के आंदोलन के दौरान के जो मुकदमे हुए हैं। ये जो सारे सवाल हैं, ये सारे सवाल इसलिए हैं कि उस टाइम पे ये बातचीत हुई थी कि आंदोलन, इन चार चीजों पर आंदोलन खत्म हो जाएगा और आगे एक कमेटी बना लेंगे, जो भारत सरकार समय समय पे वह कमेटी बातचीत करती रहेगी। वह कमेटी बना दो, उसकी बात नहीं कर रहे। कल ये सीट भी लेकर आएंगे तो आंदोलन क्या दोबारा फिर आएगा। ये कल पेस्टिसाइड बिल लाएंगे तो क्या किसान फिर दोबारा आएगा। किसान क्रेडिट कार्ड पे क्या होना चाहिए, उसका एक बड़ा सवाल है। किसान क्रेडिट कार्ड, एक दिन के लिए पैसा जमा करो, 1,00,000 रुपए जमा करने पे 10,000 रुपए देने पड़ते हैं बैंक, और जो वहां दलाल होते हैं उनको। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसान जो उसका ब्याज है वो जमा कर दे, उसका केसीसी रिन्यूअल हो जाए। तो ये बहुत से सवाल सरकार उसे करने हैं, वो सवाल होंगे जब कमेटी बन जाएगी। एमएसपी ये लिखा हुआ है कि काले कानून वापस लो, एमएसपी पर कानून बनाओ, मतलब सरकार धोखे में रख रही। अभी काले कानून तो वापसी हो गए, इस पर कमेटी नहीं बनाना चाहते। जोन सी चीज को हम कह रहे हैं कि भाई इस पर कमेटी बना दो आप, उस पर कमेटी नहीं, उस पर कानून नहीं, कमेटी कह रहे हैं। कमेटी बनेगी जब कानून बन जाएगा, उसके बाद में कमेटी बनेगी। ये कह रहे हैं कि जी पहले कमेटी बना दो, कमेटी की बातों में उलझाना चाहते हैं। कमेटी बनेगी कानून बनने के बाद में, वो कैसे लागू होगी एमएसपी, ये सारे सवाल है। गांव के लोग अपना तैयार रहे भाई, अफवाहें फैल रही हैं पूरी, लोगों को दिखाएंगे भी कि लोग गांव में जाने लगे। गांव में कोई नहीं आ रहा, अब जो लोग भी हैं, अब फाइनल मैच होना है, फाइनल उसकी तैयारी करके अपने आ जाओ, अब अपने मोर्चों पर रहो।
हरियाणा और दूसरे स्टेट है, मुकदमे हैं अभी 55,000 से ज्यादा। इन्हें मुकदमे के हार को कोई घर पर नहीं ले जाना चाहता। ये मुकदमों की प्रॉपर्टी भारत सरकार के इसी को देकर जाएंगे। और हमने पिछले 35 साल से आंदोलन में यह देखा है कि जब भी कोई समझौता होता है वे मुकदमे और वे सब चीजों पर समझौता होता है। भारत सरकार आज भी बात करने को कोई तैयार नहीं है। क्या बगैर बातचीत के ये आंदोलन समाप्त हो जाएगा? क्या किसान कभी भारत सरकार से फिर बातचीत नहीं करेगा? और सरकार स्पष्ट कर दे कि दिल्ली के दरवाजे किसानों के लिए बंद हैं, तो क्या गांव के लोग भी सरकारों के लिए दरवाजे बंद कर ले? ये सरकार को जवाब देना है। हम आंदोलनों का समाधान चाहते हैं। एक साल से ज्यादा किसानों को हो गया। पंजाब के लोग 4 महीने पहले से पंजाब के बॉर्डर में बैठे हुए थे। आंदोलन संघर्ष है, समाधान की तरफ जा रहा। इसमें जालसाजी सरकार ना रचे। सब समझते हैं हम, ये किसान कोई बेवकूफ नहीं है। ये सब समझते हैं, जो आपकी चाल है उसको भी समझते हैं। आप बैठ के बातचीत टेबल पर अगर करना चाहते हो तो ये किसान तैयार हैं। धोखाधड़ी नहीं, ऑन टेबल पे हम बैठ के बातचीत करेंगे। ये आंदोलन जब ही खत्म होगा, ये देश का किसान किसी बहकावे में बताएं कि आंदोलन समाप्त हो रहा है। एसकेएम था, है और रहेगा। ये एसकेएम को तोड़ फोड़ने की बात करते हैं, ये आखिरी पत्ता सरकार के पास में है। वो आखिरी पत्ते पे सरकार खेलना चाहती है। ये 2 दिन और अफवाह बड़ी तेजी से चलेगी। 4 तारीख को एसकेएम की मीटिंग है, उसमें पूरी आगे की रणनीति हम तय करेंगे। किसी भी अफवाहों पर आप ध्यान न दें, अपने बॉर्डर पर ध्यान दें। अपना कपड़ा कंबल लेकर बॉर्डर पर आवे। और अब ये नहीं कि आए और 2 दिन रुक गए फिर चले गए, मैं गेहूं बोया हूं। अब कम से कम 10-15 दिन के लिए आ जाए। 4 तारीख में जो फैसला होगा वो फैसला होगा। आगे क्या निर्णय होगा उसके बाद में लेंगे। अपने मोर्चों पे, अपने मोर्चों को अपने आप संभालो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं उन सबका, हमारा बहुत पहले ये बोर्ड लगे हुए हैं। एक गलत अफवाह फैलाते हैं कि MSP अब आया, MSP अब मिलेगा। आया तो बहुत दिन से रहा, सस्ते में अनाज बहुत दिन से आप खरीद रहे हो। व्यापारियों को सस्ते में अनाज मिलता रहे, आम जनता को महंगे में अनाज मिलता, आटा मिलता रहे, ये इसीलिए कानून लेकर आए थे। इसीलिए MSP पे कानून नहीं बनाना चाहते। सबका धन्यवाद। हम यहाँ पे हैं, सारे मोर्चों पे यहीं पे ही रहेंगे, सब जगह आते जाते रहते हैं। ये पूरे बोर्ड लिखे हुए हैं, इन बोर्डों को भी देखते रहे, अपना फोटो भी बनाते रहे। सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संयुक्त मोर्चा। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.